तो क्या कोविड-19 एक बार फिर इंडिया और वर्ल्ड को इफेक्ट करेगी? क्या आप सभी को मास्क का इस्तेमाल और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना पड़ेगा? क्या इसका असर इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ेगी? कोविड-19 कोरोना वायरस आखिर है क्या और इसकी असर इंडियन इकोनॉमी पे कैसे पड़ी है? तो वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और आज का सेशन का डेट 22 दिसंबर 2022 है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और व्यू करें। सीएनए करंट न्यूज एनालिसिस के द हिंदू के 21 दिसंबर 2022 के आर्टिकल के आधार पे इंडिया को रैंडम स्कैनिंग चाइना और अदर्स कंट्री से आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए शुरू कर देनी चाहिए। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवीय के द्वारा वेंसडे 21 दिसंबर 2022 को सीनियर ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स के साथ कोविड-19 पे रिव्यू मीटिंग की गई है। रिव्यू मीटिंग का एकमात्र कारण कोविड-19 के केसेस में वर्ल्ड वाइड बढ़ोतरी है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा हरेक राज्य और यूनियन टेरिटरी को थर्सडे 22 दिसंबर 2022 से रैंडम टेस्ट और पॉजिटिव केसेस के सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए कहा गया है। इंडिया के द्वारा लास्ट वीक में टोटल 1200 पॉजिटिव केसेस को फाइंड आउट की गई है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ब्राजील और चाइना के नए केसेस में बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हुए कि अब इंडिया को भी सतर्क हो जाना चाहिए और रैंडम टेस्टिंग और पॉजिटिव केसेस को ट्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए। हालात अभी कितने बुरे हैं देखिए, बीजिंग में 70% आबादी ऐसी है जो कोरोना से पॉजिटिव है। बीजिंग के सिर्फ हालात बता रहे हैं हम आपको, ट्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए। सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को यह हिदायत दी गई है कि हर एक पॉजिटिव कोविड-19 के वेरिएंट SARS-CoV-2 के सैंपल के रिपोर्ट को IGSL के पास अपडेट करें, जो हर एक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए मैप की गई है। करेंटली के आधार पे 2% पॉजिटिव सैंपल इंटरनेशनल पैसेंजर्स के हैं। इसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी प्रोटोकॉल विदेश से आने वालों के लिए नहीं बनाई गई है। वहीं दिसंबर 14 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के आधार पे कोविड-19 की केसेस 3.3 मिलियन पर वीक की डेटा रिलीज की गई है और डेथ्स रेट में 10% की इंक्रीमेंट भी आई है। वहीं 10% वीकली डेथ्स में इंक्रीज अफ्रीकन रीजन ऑफ अमेरिकाज और ईस्टर्न रीजन में हुई है। वहीं न्यू केसेस में और डेथ में इंक्रीज चाइना के जीरो कोविड-19 पॉलिसी में ढिलापन के कारण भी हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि ओमिक्रॉन नई सब वेरिएंट BF7 चाइना के द्वारा रिपोर्ट की गई है, जो BA5, BA2, BA1, BA7 की ही तरह नई वेरिएंट है और इन सभी को IGSL लेबोरेटरीज के द्वारा डिटेक्ट की जा चुकी है। वहीं इंडिया में XBB वेरिएंट के केसेस सबसे अधिक मिले हैं, जो नवंबर के टोटल केसेस की 65.6% है। अब इन सभी कारणों से इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा मास्क को कंपलसरी करने की सोच रखी जा रही है। The nightmare was over and the mask could be thrown away. Alarm bells have been clanging again. इन सभी कारणों से इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा मास्क को कंपलसरी करने की सोच रखी जा रही है। अगर न्यू पॉजिटिव केसेस में बढ़ोतरी हुई तो लॉकडाउन की कंडीशन भी इंडिया में आ सकती है। तो समझने की बात यह है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की एक वेरिएंट है, जो चाइना से 2019 के एंड में पूरे वर्ल्ड में फैली थी। वहीं दूसरी ओर कोरोना पेंडेमिक और लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया के इकोनॉमी में डाउनफॉल देखने को भी मिला है। यह एक ऐसी वायरस है जिसका असर लॉन्ग टाइम में देखने को मिल रहा है। आज 3 सालों के बाद पूरी वर्ल्ड ग्लोबल रिसेशन की ओर रुख कर रही है और जिसका एकमात्र कारण कोविड-19 पैंडेमिक है। इंडियन इकोनॉमी में इसका असर फूड और एग्रीकल्चर, एविएशन एंड टूरिज्म, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल एंड गैस, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे दिखी है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को इन सभी के कारण रुपी ट्रेड, मोर मार्केट फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी के रूप में मिली है। खैर, आगे देखते हैं आखिर इंडिया और वर्ल्ड में कोविड पैंडेमिक के कारण होता क्या है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक्स।